Very good morning, students. I am Rohtas Singh, your English teacher. Dear students, in this video, we are going to read the poem Amanda from the book First Flight of 10th Class. Dear students, before going with the explanation of this particular poem, I would like to summarize this poem for you. तो students, ये जो poem है ये एक mother के द्वारा अपनी बच्ची Amanda को दिए हुए instructions के बारे में है. हर प्रत्येक माता पिता की तरह, जैसे कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, उनका एक मानना होता है कि हम अपने बच्चों को कुछ सही बातें सिखाएं कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा वो मत करो, नाखून मत चबाओ, ऐसे मत बैठो, थोड़ा ठीक से बैठो, ये ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. तो इसी तरह से इसमें भी अमंडा की जो मदर हैं वो अमंडा को इंस्ट्रक्शंस देती हैं और अमंडा उन इंस्ट्रक्शंस के बाद बीच बीच में सोचती है कि शायद मेरी स्वतंत्रता, मेरी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल किया गया, उसको काट दिया गया. ठीक है, तो वो सोचती है कि अगर मैं, एक तरह से बीच बीच में कल्पना करती है, वो सोचती है कि यदि मैं मरमेड होती, समुद्र में रहने वाली एक जलपरी होती तो मैं ऐसे करती, वहाँ मुझे कोई नहीं रोकता. फिर सोचती है कि अगर मैं यदि मैं अनाथ बच्चे की तरह होती तो मैं आराम से गली में घूमती तो शायद मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. और कभी सोचती है कि अगर मैं रूपंजल प्रिंसेस की तरह होती तो मैं किले में रहती. ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन था एक तरह से कि मदर इंस्ट्रक्शंस देती है और वो जो अमंडा है वो अपना थोड़ा इमेजिनेशंस करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट. डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, जो अमंडा की मदर कहती है कि अमंडा अपने नाखूनों को मत काटो. जैसे बाइट का मतलब होता है काटने से, मतलब आप ये ना समझें कि इसको ब्लेड से या किसी नेल कटर से काटने की बात है. बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना. तो डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अमंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच माने झुकाना, शोल्डर्स कंधे, अपने कंधों को मत झुकाओ अमंडा. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लॉचिंग का मतलब होता है शरीर को बिल्कुल ढीला कर लेना. तो वो कहती है कि जो स्लॉचिंग वाला कंडीशन है आपकी, जो बिल्कुल ढीला ढाला शरीर कर रखा है आपने, ऐसा करना बंद करो. स्टॉप दैट स्लॉचिंग, ये ढीले ढाले तरीके से बैठना बंद करो. एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ अमंडा, अमंडा सीधे बैठ जाओ. आगे अब ये कल्पना करती है अमंडा, अपने बारे में कुछ कल्पना करती है. देर इज ए लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब शांत, शिथिल. एमराल्ड सी, एमराल्ड का मतलब गहरे रंग का. तो ये कि एक गहरे रंग का शांत शिथिल समुद्र है. वे आर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, यानी वहां पर रहने वाला कोई भी जीव. इज मी, यानी वहाँ पर एक बहुत गहरे रंग का शांत समुद्र है और वहाँ पर मैं अकेली एक इनहेबिटेंट वहाँ पर हूँ. ए मरमेड, मैं मतलब अपनी वो कल्पना करती है कि मैं एक मरमेड की तरह हूँ. मरमेड मीन्स जलपरी, मत्स्य कन्या जो जल में रहती हैं. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है उसके प्रवाह के साथ, जल के प्रवाह के साथ, जल की जो स्टीम होती है धारा के साथ इधर उधर करना, मतलब तैरना. ब्लिसफुली आनंदपूर्वक, वो कल्पना करती है कि मैं गहरे समुद्र में, शांत समुद्र में एक अकेली इनहेबिटेंट हूँ, एक अकेली जलपरी हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद के साथ मैं धारा के प्रवाह के साथ इधर उधर तैरती फिरती हूँ, ऐसे करके. अब सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, अमंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया. डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी का मतलब होता है एक तरह से व्यवस्थित करना, जैसे बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, दैट इज़ नॉट टाइडी. टाइडी मीन्स कि सारा सामान अपनी जगह स्थित है, जैसे अपना बैग है, बच्चे अपना बैग लगाते हैं, बुक्स हैं कहीं इधर उधर नहीं पड़ी अपनी अलमारी में है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इन अरेंजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड टाइडी. तो वो कहते हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, अमंडा क्या आपने अपने कमरे को व्यवस्थित कर लिया है. आई थॉट, मैंने सोचा. आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा था कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमंडा,
ये उसकी मदर ने कहा कि भी मैंने आपसे तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए कहा था, क्या आपने वो कर लिए? इस तरह से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से जो मंडा है वो अपना इमेजिन कर रही है कि आई एम एन ऑर्फेन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने घूमते हुए, स्ट्रीट माने गली में, यानी वह गली में घूमती हुई मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है एक तरह से कोई धब्बा बनाना या किसी कोई आकृति बनाना। आई पैटर्न, मैं एक नमूने बनाती हूँ, सॉफ्ट डस्ट, डस्ट नरम धूल पर, विद माई हस्ट, हस्ट का मतलब होता है चुप होना यानी शांत, बेयर फिट, शांत और नंगे पैरों से मैं कुछ नरम धूल पर आकृतियाँ बनाती हूँ या नमूने बनाती हूँ, जैसे पैरों के निशान से कुछ आकृतियाँ बनाना, ऐसे मैं बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंट जो शांति है वो गोल्डन है, सुनहरी है, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मधुर है, मीठी है। ऐसी वो कल्पना करती है, बार बार जब सोचती है कि मदर मुझे ऐसे करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है, मदर मुझे वो करने के लिए इंस्ट्रक्ट करनी है करती हैं, तो वो सोचती है कि अगर मैं इस तरह से अनाथ होती तो मैं अपनी गली में आराम से अपनी मर्जी से घूमती और धूल पर आराम से नंगे पैरों से जो मेरा मन करता वो स्ट्रक्चर्स बनाती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में है, स्टैंजा में है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा उस चॉकलेट को मत खाओ, जैसे अक्सर माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं इसी तरह से, अमंडा वो चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, आप अपने एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, जो मुंह पर मुहासे निकल आते हैं, अमंडा, अमंडा अपने मुहासों को याद करो का मतलब वो बताना चाहते हैं अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे तो आपके चेहरे पर मुहासे निकल आएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखेंगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसकी मदर बोलती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमंडा, वो कहना चाहती है कि अमंडा मेरी तरफ देखकर बात करो। अब नेक्स्ट अमंडा अपने आप में इमेजिन करती है, आई एम रूपंजल, रूपंजल एक प्रिंसेस, मैं रूपंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करती हूँ, लाइफ इज ए टावर, सॉरी, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो टावर है, टावर का मतलब है जहाँ जिस ऊंची बिल्डिंग में वो रहती है, टावर में जो जीवन है वो ट्रैंक्विल है, शांत है, रेयर दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी, ऐसा वो कल्पना करती है कि रूपंजल जो प्रिंसेस है उसकी तरह मैं होंगी, तो उसकी तरह मैं अपने टावर में यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग में मैं होंगी और वहाँ पर मैं अपने बालों को कभी भी सुनहरे बालों को नहीं गिरने दूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर जो अमंडा की मदर है वो उसको फिर इंस्ट्रक्ट करती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग का मतलब होता है एक तरह से जैसे कोई भी व्यक्ति वहीं पर कहीं बैठा हो, सपोज कीजिए चेयर पर बैठा हुआ है और चेयर पर बैठकर वहीं पर वह एक तरफ को खिसक जाए, मीन्स बॉडी को थोड़ा सा लचीला करके इधर उधर बैठ जाए, इसको आप उदासीनता से कुछ एक्शन करना या फिर मचलना आप कह सकते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, अमंडा तुरंत ये मचलना या उदासीनता से इधर उधर खिसकना बंद करें। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, अमंडा तुम हमेशा मूडी होती हो, मूडी का मतलब होता है अपने ही दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति, के जो मन में आ गया तो कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया, तो मदर बोलती है कि तुम बस अपने मन से ही करती हो, अपने मन की होती हो, अपने ऑलवेज अपने मूड में होती हो। एनी वन वुड थिंक दैट, कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड एट यू का मतलब फाइंड फॉल्ट, मतलब कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही दोष निकालती रहती हूँ और तुम मेरी बातें नहीं मानती हो, इस तरह से उसकी मदर बोलती है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अमंडा, एंड आई होप दैट यू हैड बेटर अंडरस्टूड इट्स मीनिंग एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विद द ऑल इवेंट्स, ऑल इमेजिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हर मदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।